जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द तक्षला क्लासेस चैनल। वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द रिट्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर CDS एंड CFF एग्जाम। तो आज हम रिट्स के बारे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियोरी, प्रोहिबिशन और कोवरंटो, इनका एग्जैक्टली हाउ दे आर यूज, एवरीथिंग विच आर रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन ऑफ CDS एंड CFF और NDA आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट ऑफ रिट्स हेयर। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं अनअकेडमी की तरफ से। अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 12 महीने की SSB की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है इस समय। दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग फॉर CDS एंड CFF हेयर। तो 12 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लस 12 मंथ्स यू आर गोइंग टू गेट SSB सब्सक्रिप्शन हेयर, एंड दिस थिंग इज एप्लीकेबल टिल योर सेप्टेम्बर मंथ। और आप अगर ये रेफरल कोड लगा रहे हैं तो आपको 10% ऑफ एडिशनल मिल रहा है। दूसरा, 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लेने के साथ आपको 2 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड इफ़ यू आर परचेजिंग 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, यू आर गोइंग टू गेट 4 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री। एक नया CFF AC जिनका टारगेट है 2022, एक नया बैच हो रहा है शुरू, विच इज़ गोइंग टू बी अ कॉम्प्रेंसिव बैच और अ 1 ईयर कम्प्लीट बैच, जिसमें 15 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। और ऑल ऑफ द पीपल आर गोइंग टू टेक अप द क्लासेस विद यू पीपल इन अ कॉम्प्रेंसिव वे। तो जिनको भी सब्सक्राइब करना है अनअकेडमी प्लस पे, वो इस रेफरल कोड को लगाइए और सब्सक्राइब करिएगा जी। दूसरा टारगेट CISF AC एग्जीक्यूटिव, ये भी एक UPSC एग्जाम लेता है फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन द सर्विसेज। सो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन फ्रॉम 15th of September। दिस इज अ न्यू बैच विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड ऑन अनअकेडमी प्लस। यू कैन जस्ट सब्सक्राइब बाई यूजिंग दिस रेफरल कोड। एक और बैच है जी, एक्सपेडिशन CDS OTA 2021 क्रैश कोर्स। दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु आर अपेयरिंग इन द एक्सपेडिशन दिस पार्ट्स ऑफ CDS OTA। एक काफ़ी कॉम्प्रेंसिव क्रैश कोर्स है जी ये। 30% डिस्काउंट ऑन ग्रैंड कॉम्बो ऑफर विच इज़ देयर। अगर आप SSC और CDS CFF का इकट्ठा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 6500 तो SSC का, 9680 पूरे 1 ईयर का, आपको 16180 का पड़ता है, लेकिन आपको कंबाइंड प्राइस मिल रही 11326। और इसके साथ आपको 10% ऑफ भी मिलेगा एडिशनल अगर आप ये रेफरल कोड लगाएंगे। एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जी सभी लोगों के लिए, जो लोग CDS के लिए तैयारी का सोच रहे हैं। आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो भाई प्राइस हाइक आने आ रहा है। तो दोस्त जिनको भी सब्सक्राइब करना हो, वो इस रेफरल कोड से सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लस पे एंड गेट 10% ऑफ। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पे। आइए अब शुरू करते हैं रिट का टॉपिक। रिट बेसिकली मीनिंग क्या, इट इज़ अ कमांड और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट गिवन इन राइटिंग अंडर इट सील। मतलब कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसको हम रिट कहते हैं, एक कमांड है। ये 5 प्रकार की रिट्स को बाद में, पहले एक और चीज़, कौन कौन अलाउड है रिट इशू करने का। सुप्रीम कोर्ट है और दूसरा हाई कोर्ट है। दीज आर द 2 बॉडीज हु कैन इशू द रिट्स। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कई बारी पेपरों में आ चुका है ये भी स्टेटमेंट। नेक्स्ट, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड कोवरंटो। Under Article 359 of the Constitution provides the right to move Supreme Court can be suspended during national emergency। याद रखेगा जी, आपका सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, दैट इज आर्टिकल 32, कैन बी सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 359 अगर कहीं नेशनल इमरजेंसी हो। आखिरी पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल भी है बट एक्सक्लूसिव नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है रिट, बट वो आर्टिकल 226 के तहत इशू करता है। आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन इज मच वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। 226 के तहत इसकी रिट जुरिसडिक्शन इज वाइडर। वाइडर कैसे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के केस में प्लस लीगल राइट्स के केस में, दोनों केसेस में हाई कोर्ट इशू करता है रिट 226 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में इशू कर सकता है रिट। तो याद रखेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। आइए ज़रा आप शुरू करते हैं रिट्स को। इनके पहले रिट्स का मीनिंग ही हमें सभी को क्लियर होना चाहिए। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और कोवरंटो।
सबसे पहले हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी और टू प्रोड्यूस अ बॉडी। कॉर्पस मतलब बॉडी। दूसरा है जी मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। तीसरा जी प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट, टू स्टॉप और टू फॉरबिड, दैट इज द मीनिंग। सर्टररी इज टू सर्टिफाई। और तीसरा कोवरेंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। ये तीनों आपको वैसे वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टररी एंड कोवरेंटो। फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर विद द मीनिंग्स, देन वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। बहुत सिंपल मीनिंग्स है, मैंडमस वी कमांड, प्रोहिबिशन टू स्टॉप, सर्टररी इज टू सर्टिफाई एंड कोवरेंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। मीनिंग से ही 90% चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी जी। आइए ज़रा हेबियस कॉर्पस को समझें। अगर किसी बंदे ने नज़र बंद कर रखा, किसी को अरेस्ट कर रखा, डिटेन कर रखा, किसी अथॉरिटी ने या पुलिस और या किसी और किसी आदमी ने, प्राइवेट बॉडी भी अगर किसी ने डिटेन कर रखा है, तो उस बंदे या जिसको डिटेन किया हुआ उसके बिहाफ पे कोई और बंदा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि भाई मेरे बंदे को क्यों हिरासत में ले रखा है। तो कोर्ट इस चीज़ को असर्टेन करेगा, जानेगा थ्रू बाय आस्किंग दिस डिटेनिंग अथॉरिटी कि भाई व्हाट बेसिस यू हैव डिटेन्ड। अगर कोर्ट को लगता कन्विंस हो गया कि वो पर्सन इलीगली डिटेन्ड है, तो पर्सन तो कोर्ट उनको ऑर्डर करेगा टू फ्री हिम। क्लियर है जी। और अगर उसको लगा कि ठीक है, देन ही कैन नॉट। क्लियर हो गया सभी को जी, याद रखिएगा जी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी इशूड टू अ प्राइवेट पर्सन एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी। मे बी मूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर बाय हिज फ्रेंड और सोशल वर्कर। ये हमने बात की है। इट हैज़ ओनली वन पर्पस, टू सेट लिबर्टी अ पर्सन हु इज कन्फाइंड विदाउट लीगल रिस्ट्रिक्शन। मतलब उसके अगेंस्ट कोई लीगल अथॉरिटी डिटेन तभी कर सकती है अगर उसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन है, कोई प्रूफ है, कोई ऐसा है। ऐसे ना हो कि आर्बिट्ररी डिटेन कर रखा। सभी को क्लियर हो गया जी, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। फॉर एग्जांपल जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम भी अगर आपको याद हो, जब ये सैफुद्दीन किचलू और सतपाल इकट्ठे के लीडरशिप में इकट्ठे इसीलिए हुए थे क्योंकि रावलट एक्ट में ये कहा गया था कि भाई रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज टेकन अवे। मतलब पुलिस जिसको मर्जी हिरासत में ले सकती है विदाउट शोइंग वारंट, विदाउट कुछ भी। क्लियर है जी मेरे मित्रों सभी को। आइए ज़रा अगला देखें, मैंडमस, जिसका मतलब है वीक कमांड। और ये किसके अगेंस्ट चलता है जी? इट इज़ अगेंस्ट ओनली पब्लिक बॉडीज। अब समझते हैं क्या, आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना, कोई सरकारी दस्तावेज बनवाना है और आपका कोर्ट आपको जो वो अथॉरिटी है वो बना नहीं रही, सो आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट विल ऑर्डर दैट पर्सन, दैट पब्लिक अथॉरिटी टू डू हिज ड्यूटी बिकॉज ही इज़ नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। द कोर्ट विल इशू एन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दैट पर्सन डज हिज ड्यूटी। तो ये ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म हिज लीगल ड्यूटी। याद रखिएगा ये सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट ही लगता है। क्लियर है गया जी। एंड दिस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेजिडेंट और गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना प्राइवेट अथॉरिटीज के अगेंस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट भी। आशा है कि सभी को क्लियर हो गया जी, रिट ऑफ मैंडमस। आइए फिर अगला देखें जी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब यहाँ पर प्रोहिबिशन का मीनिंग पहले सभी को क्लियर होना चाहिए। प्रोहिबिशन का मतलब रोकना। मैंडमस का था भी भाई काम कर, प्रोहिबिशन का भाई काम करो तो सही, पर लिमिट के बाहर मत जाओ। लिमिट कैसे जी? एक कोर्ट का दायरा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो भाई डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट का ही वो जुरिस्डिक्शन संभालेगा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर तो नहीं ना कोई कोर्ट के डिसीजन देगा। अगर कोई कोर्ट ऐसे जा रहा है बाहर अपनी जुरिस्डिक्शन से, तो हायर कोर्ट जो होगा ना, दैट विल इशू एन ऑर्डर टू दिस कोर्ट कि भाई रुक जा, थम जा, टू स्टॉप और टू स्टे ऑर्डर इसको कह देते हैं। ये सभी को समझ आ गया जी। दैट इज, इट इज़ इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू लोअर कोर्ट forbidding it to perform an act outside the jurisdiction and the proceeding in the perform court etc come to a stop. The objective kya iska, to keep the inferior court or quasi judicial bodies within the limit of their respective jurisdiction. Matlab iska main objective ye hai ki bhai jo bodies hain, jo quasi judicial bodies hain, unko apne limit mein rehna. Yaad rakhiyega, it is only against a public officer, not vested
विद द जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल ऑफिसर्स, मतलब ये अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर नहीं, जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट ही लगती है, मतलब अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं, ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल. इट इज़ नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज, इट इज़ नॉट अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडीज, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन, कैन नॉट बी, और एसोसिएशन कैन बी इशूड ओनली द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ केस आर गोइंग ऑन. क्योंकि सर्शरी हम देखेंगे ये क्या है कि भाई अभी ऑर्डर जो छोटा जो लोअर कोर्ट है वो अभी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है उसके अगेंस्ट है. सर्शरी जब डिसीजन हो चुका उसके अगेंस्ट है देखेंगे. अगर कोर्ट ने पास कर दिया ऑर्डर फिर प्रोहिबिशन ही, फिर सर्टररी लगता जी, ये देखेंगे अभी. द डिफरेंस बिटवीन मैंडमस एंड प्रोहिबिशन इज दैट द वाइल द फॉर्मर कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल और क्वाज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, बट द लेटर इज इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडीज. तो मैंडमस क्या कहता भाई काम करिए, और रिट ऑफ प्रोहिबिशन कहता कि भाई रुको तुम्हारे एक्टिविटी के अंडर नहीं है, तो उस चक्कर में आप उस चीज़ पे दायरे में गुजर नहीं सकते, ये चीज़ है जी. अब आता सर्शररी, इसका मतलब होता टू सर्टिफाई. इट इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू द इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कि भाई जब लोअर कोर्ट एक्सीड कर रहा और जजमेंट दे चुका है, जब जजमेंट दे चुका है उस केस में सर्टररी इशू होता. अगर जजमेंट अभी देनी है तो प्रोहिबिशन लगता क्योंकि उस पर स्टे लगा दिया जाता. सर्टररी में अभी जजमेंट दे चुका है तो इस केस को जजमेंट को कैंसिल करेगा, क्वैश करेगा उस जजमेंट को. समझ आ रही बात, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इशू करते हैं क्वेश्चनिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय एन इन्फीरियर कोर्ट. नेक्स्ट है क्या, ऑफ एन इनियर कोर्ट इज प्रॉपरली एक्सरसाइज, ये चीज़ याद रखिएगा. एक और चीज़, प्रोहिबिशन को हम कहते हैं सिर्फ प्रिवेंटिव इन नेचर, सिर्फ वो लोअर कोर्ट को प्रिवेंट करता है. सर्टररी इज क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव बोथ. क्यूरेटिव मतलब उसका इलाज भी करता है, क्योंकि उसने जजमेंट दे दी हुई उसको बर्खास्त करेगा, अपने पास लेके उसकी जजमेंट ठीक करेगा, उसको देगा केस को हैंडल. एक और पॉइंट याद रखना है सर्टररी में फ़र्क और प्रोहिबिशन में, सर्टररी के केस में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ भी आ जाती हैं, जबकि प्रोहिबिशन के केस में सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़. ये लिखा हुआ ना, अगेंस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बट नॉट इन जुडिशियल कैपेसिटी. इट कैन नॉट इशू द रिट टू अनदर हाई कोर्ट और अनदर बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट. ये भी चीज़ याद रखिएगा, दूसरे कोर्ट को इशू नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ लोअर कोर्ट को इशू कर सकता है सर्शरी. ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट इट कैन बी ओनली आफ्टर द ऑर्डर डिसीजन हैज बीन अनाउंस, इज अवेलेबल एट अर्लियर स्टेज वाइल द सर्शरी इज अवेलेबल ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स एट अ लेटर स्टेज. टू कंट्रोल एन इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल विच हैज एक्सीडेड इट्स जुरिस्डिक्शन और रॉन्गली एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन. आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट द जुरिस्डिक्शंस. हमने जो बात की है सर्शररी की और प्रोहिबिशन की, सभी को क्लियर है जी पॉइंट. आखिरी है जी कोवरंटो. कोवरंटो वैसे लिटरली वर्ड का मीनिंग ही होता है जी अंडर व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी. अब कोई बंदा है जो जबरदस्ती उस पब्लिक ऑफिस पे कब्जा जमा रखा, टू विच ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड, उसके पास वो एंटाइटल्ड है ही नहीं, लेकिन ही इज़ होल्डिंग दैट ऑफिस. इट मे बी बिकॉज ऑफ द ही इज़ नॉट एन ऑफिसर बट स्टिल ही इज़ होल्डिंग दैट ऑफिस. पॉलिटिशियन ने ज़बरदस्ती उसको बिठा दिया हुआ, या हो सकता कि उसकी रिटायरमेंट एज हो चुकी है, ख़त्म हो चुका, 60 ईयर्स एज थी रिटायरमेंट और अब वो 63 का है, तो वो फिर भी होल्ड कर रहा है उस ऑफिस को. उसके अगेंस्ट ये कोवरंटो इशू होता है टू प्रिवेंट इलीगल अजम्पशन ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस और असर्पेशन ऑफ एनी पब्लिक ऑफिस बाय एनीबडी. फंडामेंटल बेस ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ कोवरंटो इज दैट द पब्लिक हैज एन इंटरेस्ट टू सी दैट अनलॉफुल क्लेमेंट डज नॉट असर्प अ पब्लिक ऑफिस. आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट द कोवरंटो. ये 5 रिट्स काफ़ी लॉजिकल हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं, ये पेपर में आती हैं जी CDS में, CA पेपर में, तो इसको अच्छे से पकड़ के रखिए, याद रखिएगा और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर. अब कुछ बताना चाहूँगा, जो लोग आप लोग यहाँ पर मेरे इस चैनल पे जो फॉलो कर रहे हैं, यू कैन चेक आउट द ऑनलाइन क्लासेस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, तो देन यू कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस हैं तो वी आर हैविंग अ तक्षला क्लासेस, राइट? सो विच एवर सूट्स यू, यू कैन ज्वाइन हेयर. वैसे ऑनलाइन में अगर आप दूर दराज से हैं तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी,
वहाँ पर आप मेरे को सर्च करके, मेरी प्रोफाइल को सर्च करके यू कैन फॉलो मी एंड देन यू कैन जॉइन मी ओवर देयर। डिफेंस एग्ज़ाम्स में जाकर CDS FGAT CAPF में कैटेगरी में जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इस सब्सक्रिप्शन 12 महीने की जो सब्सक्रिप्शन है आपको यहाँ पर इस समय पड़ रही है 9680 की, और इसके ऊपर भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा जैसे ही आप रेफरल कोड लगाएंगे प्रतीक तक्षशिला। और इस समय तो आपको ये भी पता कि SSB की भी सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगी जी आपको इसी के साथ, इस रेफरल कोड के लगा के, क्योंकि 12 महीने के साथ 12 महीने की SSB की सब्सक्रिप्शन इस समय फ्री मिल रही है। तो ज्वाइन करिएगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है जी श्री प्रतीक @unacademydefense, वेयर यू विल बी अपडेटेड अबाउट द फ्री स्पेशल क्लासेस विच आई एम गोइंग टू टेक अप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।